तो दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा इन्वर्टर बनाया जाए जो सबसे सस्ता और सबसे आसान हो बनाना। तो दोस्तों, आज के इस प्रकार जो हम इन्वर्टर बनाने वाले हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर हम कोई कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ना कोई इसके अंदर हम रिले का इस्तेमाल करेंगे, ना ट्रांजिस्टर का, ना डायोड का, ना मॉस्फेट का, ना आईसी का। कुल मिलाकर दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे आसान बनाने वाले हैं। सिर्फ दोस्तों, इसके अंदर हम एक छोटा सा डीसी मोटर लगाएंगे और फिर गाइस फाइनली ये हमारा इन्वर्टर बन जाएगा, दुनिया का सबसे आसान इन्वर्टर। लेकिन दोस्तों, ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसके साथ से आप लोग 12 वाट की एलईडी बल्ब जला सकते हो, आप लोग इसको 12 वोल्ट की लाइट जला सकते हो, बहुत कुछ चला सकते हो इसके अंदर, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। तो इसलिए आपके लिए गाइस ये बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल से जो इन्वर्टर बनता है उसके अंदर डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंट, ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट, ये सारी चीजें लगाना पड़ता है, तो जाकर वो एक इन्वर्टर बन पाता है। लेकिन हम जो इन्वर्टर बनाने वाले हैं, ये सबसे आसान होने वाला है, इससे आसान आपको नहीं मिलने वाला कहीं पर भी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस तरह से बनाया गया। उससे पहले यार, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट हैं बिना किसी देरी के, वे सोलर बीएनएफ स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे सरल और आसान इन्वर्टर बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पर एक कार्डबोर्ड यहाँ पर, तो आप लोग इसके जगह पर प्लाईबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सेम काम दोनों का एक ही है, तो इसलिए आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हो, सस्ता मिल जाएगा, आसानी से आपके घर में होगा। उसके बाद दोस्तों, जो इसका मेन कंपोनेंट है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर मुझे चाहिए। मैंने चार्जर से निकाल लिया था, जो मेरा 12 वोल्ट का चार्जर था, तो इसके अंदर से मैंने निकाल लिया। अब दोस्तों, सिंपल सा फंडा है कि इसके अंदर 220 वोल्ट पावर देना है, इसका जो ब्लैक वायर है दोनों इसके अंदर। और उसके बाद दोस्तों, मैं इसके 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की पावर मिल रहा था, तो अब दोस्तों क्या करना है कि इसके जो यहाँ पर 220 वोल्ट पावर दे रहा था, इसके अंदर हमें डीसी पावर देना है। और इस तरह से दोस्तों हमें एसी पावर मिलने वाला है। बेसिकली ये उल्टा हो जाएगा, सेम ऐसा ही काम करेगा, प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, वर्क करेगा। तो अब दोस्तों क्या करना है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जिस तरफ से हमें आउटपुट मिल रहा था, यानी कि 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट मिला था, इस पर हमें 220 वोल्ट का सिंपल सा लाइट लगा देना है। यहाँ पर ये 5 वाट का एलईडी बल्ब है, जो कि 0 वाट का कहते हैं सभी लोग, 0.5 वाट का। तो मैं सिंपल इसके अंदर लगा देता हूँ। अब दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखना इस वाली लाइट पे, यहाँ पर लगा हुआ है जो। तो मैं एक बैटरी लूँगा यहाँ पर, यह है लिथियम आयन बैटरी 1850 3.7 वोल्ट का। तो एक वायर मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ और दूसरा वायर देखना भी, मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो लाइट जल नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को बार बार टच करूँ, हटाऊँ, फिर देखना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये लाइट जल रहा है कंटिन्यूसली। आप लोग ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो आप लोग यहाँ पर इस वाली लाइट पे, आप लोग फोकस कीजिए। तो दोस्तों, हो क्या रहा है बेसिकली, जब मैं इस पे वायर को लगातार टच कर रहा हूँ तो ये जल नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर डीसी पावर है। लेकिन जब हम इसको वायर को टच करके हटा रहे हैं, तो इसके अंदर एसी फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये लाइट जल रहा है। लेकिन अगर इसकी फ्रिक्वेंसी हम हाई कर दें, यानी कि और ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये लाइट कंटिन्यूसली जलता रहेगा। कुल मिलाकर ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसके अंदर दो कॉइल लगा होता है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो अब दोस्तों क्या होता है कि जब इसके अंदर एसी पावर पर ट्रांसफार्मर काम करता है, इसके अंदर जब हम एसी पावर देंगे, तो इस तरफ से हमें एसी पावर मिलने वाला है बेसिकली। तो इस तरह से ये काम करता है, सिंपल सा इसका फंडा है। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यूसली रखने के लिए, हम बार बार वायर को लगातार इतना फास्ट टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं एक सिंपल सा डीसी मोटर का इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर ये डीसी मोटर, आप देखते हैं दोस्तों, ये 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट पर आसानी से चल जाता है। तो आप लोग भी ऐसा ही मोटर इस्तेमाल करो जो 12 वोल्ट पर ख़राब ना हो, क्योंकि इसके अंदर हमें 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी है, ताकि मोटर ख़राब ना हो, बस इतना ही करना है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों, एक पुराने से मोटर का आप शॉप ले सकते हो यहाँ पर, जो यहाँ पर स्टेटर है घूमने वाला, इसके अंदर जो तीनों ब्रश होता है दोस्तों, इसमें से जो यहाँ पर तीनों वाइंडिंग किया गया है, इसके वाइंडिंग को कटिंग कर देना है तीनों को। आप चाहे तो इसके वायर को निकाल सकते हो, कोई मतलब नहीं है लगने का। और यहाँ पर इस किसी एक पॉइंट में दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी एक पॉइंट में दोस्तों, हमें शोल्डर करके वायर को सिंपल यहाँ से लेकर आकर यहाँ पर शोल्डर कर देना है इसके सॉफ्ट में। और दूसरा मोटर पे जो दोस्तों है यहाँ पर, इस पर शोल्डर करने के बाद यहाँ पर टच कर देना, ताकि इसके अंदर फ्लो होते हुए करंट इस पर चला जाए। और जब कार्बन ब्रश हम इसके अंदर लगाएंगे, इस वाले मोटर के अंदर डाल देंगे सिंपल, तो इसके अंदर सिर्फ एक वायर जोड़ना है। तो इसके अंदर होगा क्या गाइस, जो हम बार बार वायर को टच कर रहे थे, हटा रहे थे, ये बहुत तेज़ी से होगा। यानी कि गाइस, इसका आरपीएम जो है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार आरपीएम होगा, और इस तरह से 1 मिनट में 5 से 6 हज़ार आरपीएम घूमेगा, जिसकी वजह से ये लाइट कंटिन्यूसली जल पाएगा। तो ये है इसका सिद्धांत, यानी कि फार्मूला है। तो इस तरह से ये काम करने वाला है बेसिकली। तो चलिए इसको हम फटाफट से कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इस तरह से इसके अंदर डाल देने के बाद, इसके मोटर के शाफ्ट को सिंपल इसके अंदर डाल देना है इस तरह से। तो अब ये इसके अंदर आसानी से फ्रीली मूव कर पाएगा। अब इसके शाफ्ट को सिंपल इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह से दोस्तों, इसके अंदर हमने लगा दिया सिंपल।
डाल दिया है। अब एक बार दोस्तों हमें सिंपल इस पर सोल्डर कर देना है यहाँ पर, या फिर इस पर भी सोल्डर कर सकते हैं आप, इस वाले शॉप में किसी भी पे सोल्डर कर सकते हो। तो पर दोस्तों मैंने एक बार यहाँ पर टच कर दिया सिंपल से, अब एक बार और निकालना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों हमें इस पर एक बार जोड़ना है यहाँ से, सिंपल से जोड़ना है यहाँ पर, इस पे सोल्डर कर देना है इसके पॉइंट पे। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमें चेक करने के लिए चार्जर वार्जर को लगाकर। तो यहाँ पर मैं सिंपली रख दूंगा इसको और यहाँ से इसके वायर को जोड़ दूंगा सिंपल। इस तरह से इस वाले होल्डर को यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, ताकि हमारा होल्डर जो है ये पता चलता रहे कि लाइट वाइट इसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही। तो दोस्तों ये है सबसे सिंपल इन्वर्टर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बन चुका है। अब दोस्तों ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है, सारा खेल इसी ट्रांसफार्मर का है, बाकी ये मोटर तो है सिर्फ फ्रिक्वेंसी जनरेट करने का काम करेगा, बाकी सारा कुछ इसी का है। तो चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं और आपको चलाकर दिखाते हैं कुछ। ये वाला दोस्तों ब्लैक वाला और रेड वाला वायर को एक में जोड़ लेना है सिंपल यहाँ से, इस तरह से हमें जोड़ लेना है बैटरी से। तो बैटरी में प्लस या माइनस किसी में जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप देखें तो यहाँ पर ये मोटर चल रहा था, लेकिन गाइस ये कार्डबोर्ड पर लगा है जिसकी वजह से मोटर काफ़ी तेज वाइब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर ये जल रहा है लाइट यहाँ पर। दोस्तों ये 3.7 वोल्ट की बैटरी से जल रहा है इन्वर्टर, कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है आप देखें तो यहाँ पर। तो डायरेक्टली यहीं से जोड़ लेना है इस पे। इस तरह से सोल्डर कर दिया है। तो अब इसका वाला ट्रांसफार्मर का वायर यहां से जुड़ गया है, इस वाले का यहां से जुड़ने के बाद यहां से जुड़ गया डायरेक्टली, लेकिन इस वाले वायर का जो आया है ब्लैक वाला वायर, इस पे टच नहीं होना चाहिए दूसरे प्लस का, वरना शॉर्ट कर जाएगा, काम नहीं करेगा। दोस्तों मेरे पास यहां पर यह 12 वाट की एलईडी बल्ब देख सकते हैं, यहां पर सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है ये 12 वाट की एलईडी बल्ब है। तो अब मैं आपको ये जलाकर दिखाता हूँ इसके इन्वर्टर के साथ से। तो इसको होल्डर में सिंपल इसके डाल देना है यहाँ पर, यहाँ पर, और अब मैं आपको इसको चलाता हूँ इस 3.7 वोल्ट की बैटरी से और दिखाता हूँ आपको इसकी पावर ऑफ द वर्ल्ड इज लिस इन्वर्टर। तो गाइस ये काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है इसकी फ्रिक्वेंसी अभी कम है, क्योंकि बैटरी जो है वो कम वोल्टेज का है। काम कर रहा है क्योंकि इसका मोटर भी पावर ले रहा है इसी बैटरी से, इस मोटर के अंदर पावर जा रहा है, इस इन्वर्टर के अंदर जा रहा है, इस बल्ब के अंदर भी जा रहा है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा है। लेकिन इसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से पावर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं ये अच्छे तरीके से अब ये इन्वर्टर जो है वो काम कर रहा है, लाइट कंटिन्यूसली ये जल रहा है। यह है 12 वोल्ट की चार्जर, इसके अंदर लगा देते हैं सिंपली यहाँ पर, इसके अंदर बटन को बंद करते हैं और इस चार्जर के अंदर सिंपल से इस चार्जर का वायर यहाँ पर आया हुआ है सिंपल से, इसके अंदर हम 12 वोल्ट की लाइट लगाते हैं और देखते हैं जला पाता है कि नहीं जला पाता। तो यह है 12 वोल्ट की लाइट, सबको कन्फर्म है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, सब कुछ बिल्कुल रेडी है, सब राजी खुश से चलो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जल रहा है लाइट। अगर मैं नॉर्मली इसको, अगर दोस्तों मैं इसको सिर्फ ऐसा ही जला कर दिखा देता, कुछ ना चलाता, तो आप लोगों को लगता कि वैसे तो ये जल रहा है लेकिन लोड नहीं लेगा। तो इसलिए पिछली वीडियो में कमेंट भी आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ लोड जला कर दिखा देते हैं आपको। तो ये 12 वोल्ट की लाइट है, आसानी से जला पा रहा है ये चार्जर। चलो फिर से एक बार दिखाते हैं आपको।
एक बार लगा देते वरना करंट लग जाएगा, तो इसलिए करंट ना लगे इसके लिए पहले ही डाल देते हैं इसके वायर को इसके अंदर। अब एक वायर को पकड़ेंगे तो एक वायर से करंट नहीं लगता है। चलो अब देखना फिर से एक बार, देख रहे हो दोस्तों 12 वोल्ट की लाइट आसानी से जला पा रहा है ये। तो इस तरह से हमारा जो है इन्वर्टर वो काम कर रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से लोड ले पा रहा है। इसके अंदर अगर हम कोई दूसरा लाइट जलाएंगे तब भी काम करेगा अच्छे तरीके से ही जलकर। मेरे पास एक और लाइट है यहाँ पर, ये ही 12 वोल्ट का लाइट ये भी है, ये थोड़ा कलर में ये डिफरेंट है। चलो इसको जला कर दिखाते हैं आपको, आप लोग देखे तो ये भी लाइट जला रहा है आसानी से। आप लोग देख रहे हो दोस्तों कितना अच्छे तरीके से लाइट काम कर रहा है, जल रहा है मतलब। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में कोई शक नहीं है कि ये काम करता है 100%। ये चार्जर 12 वोल्ट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। ये है 12 वोल्ट डीसी पावर, 1000 मिली एम्पियर का यानी 0.2 एम्पियर का ये चार्जर है, 50 से 60 गीगाहर्ट्ज़ पे ये काम करता है बेसिकली। तो ये है गाइस जिसकी सहायता से हम इस वाले बैटरी को चार्ज करते हैं 12 वोल्ट की, तो इसलिए ये इसके अंदर कोई शक नहीं है ये काम करता है। ये लाइट भी 12 वोल्ट की है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले लाइट के अंदर, ये 12 वोल्ट की लाइट है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये काम करता है कुल मिलाकर अच्छे तरीके से। आप लोग दोस्तों इसकी सहायता से आप 12 वाट की LED चला सकते हो, मोबाइल चार्जर चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ कोई हैवी लोड तो नहीं चला सकते हो, ना ही सोलर आयरन चला सकते हो, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो नॉर्मल सा चीज़ें है वो चला सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बना सकते हो, बहुत ही काम का है। और इसके अंदर दोस्तों ये मैंने जो वादा किया था आप लोगों से कि दुनिया का सबसे सस्ता होगा, तो सच में ये सबसे सस्ता ही है। इसके अंदर मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना तो इसके अंदर कोई डायोड लगा हुआ है, ना ही कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ना कोई मोसफेट लगा हुआ है, ना कोई IC लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा है। बस सिंपल सा एक ट्रांसफार्मर और DC मोटर लगा हुआ है, बस इसके अंदर इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी इसको बना सकते हो। तो आप दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।